हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जो फ्लोटिंग बॉडी के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं रिजिड बॉडी मोशन इन फ्लूइड। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जिसमें कोई डिफॉर्मेशन, जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसपे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी इन मोशन, इन रिजिड बॉडी मोशन इन फ्लूइड क्या है? व्हेन अ बॉडी इन सच ए वे दैट द that there is no relative motion between fluid particles, that is velocity of particles are same, then it is called rigid body motion of fluid। तो इसे हम लोग कहते हैं rigid body motion of fluid। कि जब कोई, अगर कोई vessel में कोई container है, suppose कीजिए ये container है, इसमें fluid आपका भरा हुआ है, लेकिन ये body अगर motion में है, अगर ये body motion में है तो इस कंटेनर में जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी है वो सेम है, या फिर उस फ्लूइड पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो के इक्वल्स है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी मोशन। कि बॉडी इस प्रकार से मोशन में है कि द मोशन बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स या फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स है उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो सेम है, यानी कि रिलेटिव मोशन है जो फ्लूइड पार्टिकल्स का वो इक्वल्स, जीरो के इक्वल्स है। तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स और द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर सेम। तो इसे ही हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, या रिजिड बॉडी मोशन इन फ्लूइड। यह एक कैसा बॉडी है, या एक मतलब हाइपोथेटिकल बॉडी है। रिजिड बॉडी होता है जिसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसा बॉडी जो है काल्पनिक बॉडी है, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल बॉडी। इट इज ए हाइपोथेटिकल बॉडी। हाइपोथेटिकल बॉडी दैट इज देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन दिस बॉडी, दैट इज देयर इज नो डिफॉर्मेशन मोशन इन दिस बॉडी, इसे हम लोग रिजिड बॉडी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है रिजिड बॉडी मोशन। अब इसके रिजिड बॉडी मोशन के इन फ्लूइड में दो टाइप से होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। एक होता है ट्रांसलेशन और दूसरा है रोटेशन। There are two types of rigid body motion, तो एक होता है ट्रांसलेशन और सेकेंड होता है आपका रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल क्या होता है? ट्रांसलेशनल हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए कि हम एक, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है अबाउट एक्स एक्सिस, ये हमारा अबाउट वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यानी कि थ्री डायमेंशनल बॉडी है। तो अगर बॉडी जो है वो अगर बैक एंड फॉरवर्ड मोशन देती है अबाउट एक्सिस के, बैक एंड फॉरवर्ड मोशन देती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर बॉडी जो है अबाउट एक्सिस जो है हमारा बैक एंड फॉरवर्ड मोशन देती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल। तो इफ बॉडी गिव बैक एंड फॉरवर्ड मोशन
अबाउट इज एक्सिस। तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसलेशनल। रोटेशनल क्या होता है? व्हेन बॉडी रिवॉल्व या रेवोल्यूट अबाउट इट्स एक्सिस, तो इसे कहते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। व्हेन बॉडी रिवॉल्व अबाउट इट्स एक्सिस इट्स कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक, तो ये थे हमारे जो रिजिड बॉडी मोशन के दो टाइप, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसके ये हमारे कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो रिजिड बॉडी मोशन इन फ्लूइड। आगे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।